गुड इवनिंग, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हेल्थ एंड वेल्थ इन योर लाइफ। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस इन एडवांस। सो 2023 के लास्ट डेज हैं, दिसंबर है। सो एक वीडियो है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, अगर आप का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैच करे ना करे, बट आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टार्ट करेंगे दो टॉपिक से, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। पहला है बिल्डर मोनोपोली एंड सेकेंड है वाई मिडिल क्लास इज आउट ऑफ रियल स्टेट इन गुड़गांव। मिडिल क्लास बिल्कुल बाहर हो गया है, शायद अपर मिडिल क्लास भी बाहर हो गया है। आने वाले टाइम में शायद गुड़गांव अपर क्लास और रिच क्लास के लिए ऑलरेडी कुछ एरिया हो गए हैं, बट और भी एरिया हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे 2023 से। वन ऑफ द बेस्ट ईयर गया है बिल्डर्स के लिए, इनके हाथ पांव सब चांदी में है। प्रोडक्ट आ रहा है, आते ही लॉन्च पे दिख रहा है। स्टार्ट करेंगे डीएलएफ हार्बर से, सेक्टर 63 में लॉन्च हुआ। 1100 अपार्टमेंट, 9000 करोड़ की सेल ऑलरेडी, ट्रिपल मल्टीप्लाई बाय फोर चेक्स ऑलरेडी कंपनी के पास पड़े थे, बिक गया। सेकंड एमआर, सेम एमआर और अर्बनोसिस आया, 450 समथिंग यूनिट्स थी ऑलरेडी। बिल्डर क्लेम कर रहा था कि 4500 चेक्स मिले, हो सकता है 45 ना मिले हों, पर 3000 जो भी एक्सपायर्ड चेक मिले, बट ऑलरेडी प्रोडक्ट हिट गया, सोल्ड आउट हो गया। देन कुछ दिनों पहले आपने प्रोडक्ट सोचा सुना होगा गोदरेज एरिस्टोकेट सेक्टर 49 में, विच इज ऑलरेडी द सेम कंडीशन। 18,000 17,000 का रेट, 4 करोड़ से स्टार्टिंग, सोल्ड आउट हो गया। और कंपनी ने क्लेम किया कि 2600 करोड़ की उन्होंने सेल की है। फोर्थ आया डीएलएफ परवाना, सेम एसपीआर रोड पे सेक्टर 77, 18,000 समथिंग का रेट, 3600 स्क्वायर फीट का साइज एंड ऑलरेडी सोल्ड आउट। 1100 अपार्टमेंट निकाले, सेम टिकट साइज 6 से 7 करोड़ रुपए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफी बायर्स के क्वेश्चन थे, इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन थे और सेलर्स की, सर क्या ये रियल है या फिर ये एक मार्केट में बबल बन रहा है? बट नहीं, ये सब रियल है। मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, दबा के बिक रहा है, और हम जो प्रोडक्ट बेच पाएगा, जो अच्छा करेगा उस प्रोडक्ट को अच्छा बोलेगा, जो प्रोडक्ट में अच्छा नहीं कर पाएगा वो कहेगा वो रेट सूट नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड। वो अपने अपने, हर किसी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होता है। जो भी जो प्रोडक्ट बेचेगा उसको वो अच्छा लगेगा, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या कोई कंसल्टेंट हो, जो भी जो प्रोडक्ट बेचेगा उस प्रोडक्ट को वो अच्छा कहेगा। तो क्या हुआ, आप डीएलएफ से स्टार्ट करते हैं, गोल्फ कोर्स रोड से। गोल्फ कोर्स रोड पे डीएलएफ कैमेलिया, सरालिस, मैग्नोलिया, सबको पता होगा कि कुछ टाइम पहले क्या प्राइस थे, आज वो दिल्ली लुटियंस वाला जोन बन गया, वन ऑफ द रिचेस्ट रोड इन गुड़गांव बन गया। तो डीएलएफ ने प्रोडक्ट कैमेलियास का अपना एक अपार्टमेंट बेचा 100 करोड़ रुपए का, सबको पता है, बहुत बड़ी न्यूज आई थी। हमारे भी कुछ क्लाइंट्स के फोन आए थे कि रियल है क्या, है ये सच में ऐसा हुआ? बट ये सच में ऐसा हुआ, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, हम कह रहे हैं चलो ये 100 करोड़ का बिका। बट डीएलएफ ने एक बेंचमार्क रख दिया कि 100 करोड़ का अपार्टमेंट हमने बेच दिया, अब 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का, 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आया। अब उससे क्या हुआ, एक कैमेलियस का रेट 1 लाख स्क्वायर फीट होने से उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो आसपास भी जाएंगी, उससे क्या हुआ, डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड के जितने भी प्रोडक्ट थे, सेंट्रल पार्क वन हो, डीएलएफ ब्लेयर हो, डीएलएफ पार्क प्लेस हो, एमआर पाम स्विंग्स हो, डीएलएफ क्रेस्ट हो, पार्क प्लेस हो, लाल लगुन हो, बेलमोंट हो, एक्सोटिका हो, सबके रेट बढ़ गए। जो रेट 12 से 15 हजार के आसपास में 1-2 साल पहले ट्रेड होता था, वो आज के टाइम में 25,000 से 40,000 का रेट चला गया। कैमेलियस और अरालिस मैग्नोलिया छोड़ दो, 50,000+ का रेट है, वो तो ऑलरेडी आप सबको पता है कि कौन वहां पे आता है, कौन से लोग वहां पे रहते हैं, वो सबको पता है। अब बात करेंगे सेम प्रोडक्ट, सेम मोनोपोली, ये शिफ्ट हुई एक्सटेंशन रोड पे। एक्सटेंशन रोड पे डीएलएफ आया, डीएलएफ ने एक प्रोडक्ट निकाला, डीएलएफ आर बार 9,000 करोड़ की सेल, 18,000+ का जो प्रोडक्ट पर स्क्वायर फीट का रेट था, 6-7 करोड़ से वो अपार्टमेंट की स्टार्टिंग थी, 3 दिन में सोल्ड आउट। अब उससे क्या हुआ, जो प्राइस रेट 11 से 12 से 13 हजार के आसपास के प्रोडक्ट में था, चाहे वो हाइंस एलिवेट हो, लुमिनर हो, या फिर प्रेसीडिया हो, अराया हो, एक्सवाइजेड, जो भी प्रोडक्ट हो, ट्रम्प टावर हो, गोल्फ स्टेट हो, उसके बाद से एक जो प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही आसपास के प्राइस बढ़ गए। आज के टाइम पे जो भी 12 से 15 हजार के बीच में ट्रेडिंग हो रही थी कुछ टाइम पहले, वो 25,000+ का रेट हो चुका है। चाहे आप ट्रम्प देखो, चाहे आप डीएलएफ अराया देखो, प्रेसीडिया भी 20,000+ का रेट हो चुका है, हाइंस एलिवेट 20,000+ का रेट हो चुका है, महिंद्रा लुमिनर 20,000+ का रेट हो चुका है। तो उसने क्या किया, अभी बिल्डर की मोनोपोली होने के कारण उस एरिया का भी रेट बढ़ गया। तो पहले एक क्लास को वहां से बाहर किया गया गोल्फ कोर्स रोड से, अब उसको बाहर कर दिया एक्सटेंशन रोड से।
अब चलते हैं एसपीआर रोड पे, सेम डीएलएफ ने पैमाना लॉन्च किया 18,000 का रेट। अब उसके अगर आप आसपास के सेक्टर देखेंगे 79, 80, 182 टू अप टू 93 तक, वहां पे 8,000 से लेकर 12-13,000 तक अल्टीमा के रेट अच्छे हैं, 15,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। बट अब क्या हुआ, एक प्री लॉन्च प्रोडक्ट आया, नो डाउट डीएलएफ अपनी चीज को बहुत अच्छी बनाते हैं, अच्छी कंस्टेंट क्वालिटी एमएनबीज देगा, अरावलीज का दिखा के कि लेपर्ड ट्रेलर है, ये वो सब डीएलएफ की अपनी सेल्स है। उसने एक प्रोडक्ट भेज दिया 17-7 करोड़ के आसपास में, ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब क्या हुआ, वही सेम ड्रॉप्स आसपास की रही, अब चाहे पाम हिल्स हो, हाइट्स हो, या आसपास के एमआर पाम गार्डन हो, प्रीमस हो, या 79 में गोदरेज के प्रोडक्ट है, एंथेम के प्रोडक्ट है। अब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन का रेट 18,000 आएगा तो उसमें 12-13-14,000 का रेट क्यों नहीं जाएगा, चाहे वो रीसेल हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, ऑब्वियसली बात है रेट बढ़ेगा। तो एक क्लास को पहले वहां से आउट किया, गोल्फ कोर्स रोड से, फिर एक्सटेंशन रोड से, अब न्यू गुड़गांव से भी आउट कर देंगे। अब धीरे धीरे क्या है, एक्सप्रेसवे भी लोगों के हाथ से, बहुत से प्रोडक्ट है जो आउट, सेम एक प्रोडक्ट आया सेंट्रल पार्क 3 का 23,000 का, जब वहां पे 13-14,000 की एक प्राइमरी मार्केट की रीसेल हो रही थी या ट्रेडिंग हो रही थी, सेंट्रल पार्क ने 23,000 का रेट लॉन्च किया, एक बेंचमार्क बना दिया, प्रोडक्ट सोल्ड आउट, प्रोडक्ट आया बिक गया। चलो जी, अब लोग बोल रहे हैं कि सच में बिक गया, कईयों को तो पता नहीं लगा, कुछ प्रोडक्ट आए हैं हाइंस रिजर्व आया, किसी को पता नहीं लगा प्रोडक्ट 20,000+ में बिक गया। अब क्या हो रहा है कि एक क्लास को या एक क्लास को मार्केट से बाहर कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो 2600-2700-3000 स्क्वायर फीट से कम का रेट पे नहीं आ, स्क्वायर फीट पे से नीचे नहीं आ रहा, और मिनिमम प्राइस 15,000-16,000-14,000 के आसपास जा रहा है, तो 3-4 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट मिनिमम गुड़गांव में आज के टाइम पे प्री लॉन्च पे आने लग गए, जो कि आपको 4 साल बाद मिलेंगे, सारे प्रोडक्ट आप किसी भी बिल्डर का देख लें। तो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि एक अच्छी फैमिली, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जिसकी ऑलरेडी सैलरी लाख लाख रुपए या डिडिट 1.5 2-2 लाख रुपीज भी पर मंथ हो, या 2-3 लाख रुपए इनकम हो, शायद उनके अपने पर्सनल एक्सपेंस हो, तो शायद वो भी 5 करोड़ का अपार्टमेंट नहीं ले सकता। ये अपार्टमेंट बिल्कुल बिक रहे हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे जो लोग बेसिकली हो।